अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी का बताया था मास्क बनाना, मड मास्क। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसन का। सो ये मेरे पास लेमन जूस है, इसमें मैंने ली है हल्दी यानी कि टर्मरिक, ये मेरे पास है बेसन और इसके अंदर मैं डालूंगी विटामिन ई कैप्सूल्स और ये है एलोवेरा जेल, ठीक है। सो ये टर्मरिक के अंदर ये लेमन जूस मैंने लिया है एक लेमन का, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 विटामिन ई कैप्सूल्स, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और इनको तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून बेसन में डालूंगी इसके अंदर। सो अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ एलोवेरा जेल, ये देख लें, ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आप इसको प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 विटामिन ई कैप्सूल्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन। सो अभी मैंने डाल लिया है इसके अंदर बेसन, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट इस्माइल गनी का जो है, ये मेरे पास है रूह गुलाब यानी कि अरके गुलाब, इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी और एक पेस्ट सा बना लूँगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल पेस्ट, ये मैं अल्टरनेट डेज में लगाती हूँ। मैं तकरीबन जितना ये बनाती हूँ एक बिल्कुल जार के अंदर, तो जितना मैं यही बनाती हूँ इतना ही मैं मड मास्क बनाती हूँ। अभी भी मैंने जो है मड मास्क अप्लाई किया है। सो ये लास्ट था तो अभी मैंने ये बना लिया है। अब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता मैं ये यूज़ करूँगी, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा मड मास्क बनाऊँगी यानी कि अल्टरनेट डेज में कुछ टाइम ये और फिर कुछ टाइम वो जो है मैं मड मास्क जो है वो मैं अप्लाई करती हूँ। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कुछ इस टाइप की है। इसके अंदर बेसन में मैंने और इस्माइल गनी करके गुलाब डाल के जो है वो मैंने अच्छे से इसको पेस्ट बना लिया। आप देखें इसके अंदर कोई आपको जो है वो छोटे छोटे से तो हैं, जाहिर सी बात है वो मैं इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं कर सकी ताकि ये भी हो जाए, खैर मैं करूँ तो शायद हो भी जाए। तो जो है आपने देखना है कि बिल्कुल इसको ऐसा बिल्कुल लिक्विडी सा थिन सा जो है वो पेस्ट बनाना है आपको ताकि इजी टू अप्लाई हो। सो जो है इसके अंदर कोई डल्ला नहीं रहना चाहिए, गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए। जब आपने देखा होगा कि हम बेसन के लिए पेस्ट बनाते हैं तो वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, बेसन का पेस्ट बनाते हैं पकौड़ों के लिए तो वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। उसको भी हम जो है वो जल्दी जल्दी गूंद रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से मिक्स कर रहे होते हैं ताकि कोई जो है वो डल्ला और जो है वो गुठली वगैरह ना रह जाए। सो ये भी मैंने इसी तरीके से गूंधा है, इसलिए उसको मैं शूट भी नहीं कर पाई कि उसको मुझे जल्दी जल्दी मिक्स करना था, लेकिन अब अभी देख रहे होंगे कि छोटी छोटी से जो है वो गुठलियाँ अभी भी इसके अंदर रह गई हैं। सो ये है ये मेरा फाइनल टर्मेरिक बेसन मास्क, ठीक है। और इसके इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये आपको जो है वो फेयरनेस देता है। टर्मेरिक आपके स्कार्स के लिए, पिंपल मार्क्स के लिए, एक्ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, इवन टोन में लाएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। मड मास्क वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लास्ट वीडियो मैंने वही अपलोड की थी, ये देख सकते हैं आप कितना मेसी हो गया उसको बनाने के चक्कर में। सो अभी मैं इसको करूँगी साफ़, ये मेरा बेटा भी मुझे लगा हुआ है तंग करने में। सो जो है दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।